close till I get up. Time is barely on our side. तो गाइस आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी वर्सेस प्रेशर को. हम गाइस यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे, एनर्जी और प्रेशर के बीच का रिलेशन निकालेंगे. उसके पहले थोड़ा एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते गाइस यहाँ पे कल कराए हुए क्वेश्चंस के ऊपर या फिर कल कराए हुए डेरिवेशंस के ऊपर. कल का जो डेरिवेशन था कुछ याद होगा क्या था गाइस यहाँ पे, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या था, एम नॉट थ्री आर टी बाई एम नॉट. ये वाला फॉर्मला था पक्का यहाँ पे. तो हमारा फॉर्मला था वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाई एम नॉट. कैसे निकालते कुछ याद है आप लोगों को, सर पी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एम एन अपॉन कैपिटल एम सॉरी कैपिटल वी इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर. ये कुछ फॉर्मूला था हमारा. ओके सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है. देन उसके बाद में हमने कही थे यहाँ पे इसको अकेला छोड़ दिए थे, ये वी आर में स्क्वायर जैसे का वैसा इसको लेकर आए थे, तो थ्री पी वी हो गया था और ये एम इंटू एन हो गया था यहाँ पे. बट हम जानते हैं अच्छे तरीके से कही थे यहाँ पे, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वी आर में स्क्वायर हो जाएगा थ्री एन आर टी अपॉन एम इंटू एन. और मुझे बताओ एन की वैल्यू गाइस क्या होती है यहाँ पे, एन अपॉन एन ए. एन ए यानी क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट है यहाँ पे. इस एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था मैंने कल, तो ये गाइस वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी गाइस हुआ थ्री एन के जगह पे एन अपॉन एन ए आर टी और ये एम एन जैसे का वैसा. उसके बाद में गाइस यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा, क्या क्या कैंसिल होता है, एन एन कैंसिल हो गया गाइस यहाँ पे, एन एन कैंसिल हो जाता है. एन कैंसिल होने के बाद में आपको वैल्यू मिलती है थ्री आर टी अपॉन एम इंटू एन ए. अरे सर ये एम इंटू एन ए ही तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते गाइस यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थ्री आर टी अपॉन मोलर मास एम नॉट. ठीक है, तो ये वी आर मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, थ्री आर टी अपॉन एम नॉट. अरे ये कौन सी वेलोसिटी होती है, आर एम एस वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, आर एम एस वेलोसिटी को ऐसे लिखते ना बराबर यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक है यहाँ पे, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई यहाँ पे. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया था कल का. तो कल का हमारा जो फॉर्मूला था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला था वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी अपॉन एम नॉट था. एम नॉट गाइस मोलर मास था यहाँ पे, ओके मॉलिक्यूल का मास. और आर गाइस क्या था यहाँ पे, कॉन्स्टेंट था. कितनी वैल्यू थी इसकी, 2.05 कुछ देर था क्या, वैल्यू क्या था उसका आर का, 8.025 था, 8.025 था गाइस ये वैल्यू था. ओके तो इसको सॉल्व किए थे कल, दो क्वेश्चन रह गए थे आपके, उन दो क्वेश्चंस को हम अभी डील आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये डेरिवेशन है गाइस यहाँ पे, ये डेरिवेशन टू टू टाइम्स करके आना है कल. ओके आज होमवर्क नहीं किए थे, एक दो दिन का यहाँ पे होमवर्क, मैं भी भूल गया था होमवर्क देना. ये डेरिवेशन टू टाइम्स तरीका हो ही जाना चाहिए. तो क्या है वी आर एम एस का फॉर्मूला, वी इज आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम नॉट, अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम नॉट. ये फॉर्मूला था. इस फॉर्मूले की पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंपेयर द आर एम एस स्पीड. सर यही तो आर एम एस स्पीड है, तो आर एम एस स्पीड कंपेयर करनी है किसकी किसकी, आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस. मतलब हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल लिया उसने, एक लिया हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा लेगा इस यहाँ पे, ऑक्सीजन. ठीक है, दो मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे. कंपेयर द आर एम एस स्पीड, कंपेयर द आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने डिग्री पर, 127. मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया है गाइस यहाँ पे, कितना दिया है, 127 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, 127 प्लस 273 कितना होगा बेटा, ये 400. तो ये 400 केल्विन, ये हो गया क्लियर रहेगा सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पे. तो ये गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन का टेम्परेचर. अब हमें किसका बोला है यहाँ पे, उसके बाद में विथ
स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, आरएमएस स्पीड किसकी दी है, आरएमएस स्पीड किसकी दी है, ऑक्सीजन की, तो सॉरी विद आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27, टेम्परेचर दिया है यहां पे कितना दिया है ऑक्सीजन का 27, नहीं चलेगा, 273 ऐड करूंगा कितना होगा 300 केल्विन, ठीक है। यहां पे given that मॉलिक्यूल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है मतलब m नॉट दिया है, m नॉट कितना दिया है इसका H2 का कितना दिया है यहां पे 2 और इसका 32 ऑक्सीजन का 32 दिया है, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा VRMS का। चलो VRMS का फॉर्मूला बनाते हैं दो बार, पहला फॉर्मूला बनेगा VRMS किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए, दूसरा फॉर्मूला बनेगा VRMS किसके लिए बेटा, ऑक्सीजन के लिए, पक्का यहाँ पे VRMS गाइस यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT, टी किसका हाइड्रोजन का, एम नॉट किसका हाइड्रोजन का, उसका नीचू 3RT, टी किसका ऑक्सीजन का, एम नॉट किसका ऑक्सीजन का, पक्का यहाँ पे। अब क्या क्या कैंसिल होता है गाइस यहाँ पे, 3RR कैंसिल, बराबर है यहाँ पे, ओके देन उसके बाद में इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद में गाइस यहां पे ये वैल्यू जैसी की वैसी रहेंगी, हाइड्रोजन का, और ये किधर जाएगा उल्टा, तो ये आएगा ऊपर कुछ इस तरीके से और ये आएगा TO2, ठीक है। अब जस्ट यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यूज है, हाइड्रोजन का कितना है गाइस 400 आया था टेम्परेचर, 400 आया था, इसका कितना आया था 2 दिया है, इसका कितना दिया है ऑक्सीजन का 32 और इसका 300, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 कितना होगा 32 64 by 3, 64 का कितना आता है रूट 8, 64 का रूट कितना आता है 8 और रूट 3 का कुछ आता है क्या नहीं, तो रूट 3 को जैसे का तो मिल गया हमें रेशो VRMS, ये किसका आरएमएस है हाइड्रोजन का, ये किसका है O2 का, कितना आएगा 8 root 3 करना आएगा सभी को पक्के से, ओके तो ये क्वेश्चन रहेगा गाइस यहां पे, इसको डील आउट कर लेंगे, क्या बोला है कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने गाइस यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड को कंपेयर कर लिया है, किसी को लिखना है, लिखना है, ओके लिख लो क्या बोले P इक्वल टू 1/3, ठीक है यहाँ पे, और MN/V, ओके V मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सुनो अच्छी तरीके से, इफ द डेंसिटी को किसे शो करते बेटा, रो से शो करते कैसे यहाँ पे, और रो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है कैसे यहाँ पे, तो इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी दी है 1.44, कितनी दी है यहाँ पे 1.44, तो ये डेंसिटी दी है 1.44 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी दी ली है यहाँ पे एट अ प्रेशर ऑफ कितना प्रेशर 5 N/m², इतना प्रेशर दिया है, फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है VRMS स्पीड निकालनी है, बराबर यहाँ पे आपको क्या निकालना है फाइंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीजन का, बराबर है यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए पक्का गाइस यहाँ पे सर यहाँ पर कहीं तुमको डेंसिटी दिख रही है, हाँ सर दिख रही है मुझे, तो ये m into n क्या होता है बेटा, m into n क्या होता है m upon v डेंसिटी होता है, पर m into n क्या होता है, अगर मैं बात करें यहाँ पे m into n तो ये तो टोटल गाइस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल मास ऑफ गैस, ये क्या होता है टोटल मास ऑफ गैस होता है यहाँ पे, समझ में आया इस तरीके से, यहाँ पे m गाइस यहाँ पे गैस मास मतलब मास मास ऑफ गैस है, n मॉलिक्यूल्स है, सभी को मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा टोटल मास ऑफ गैस मिलेगा, तो सर यहाँ पे टोटल मास ऑफ गैस कैपिटल m हुआ, ये v जैसे का वैसा, और ये VRMS स्क्वायर, अब मुझे तो कैसे पे मास इनटू अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी होता है यहाँ पे, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, p जैसे का ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3p अपॉन रो,
बराबर है यहाँ पे, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट। तो यही तो कैसे यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी होती है यहाँ पे। तो आरएमएस वेलोसिटी मिल गई हमें, प्रेशर दिया है हाँ, हमें डेंसिटी दी है हाँ, तो बस उसका इस्तेमाल करना है। एक बार फिर से सुनो अच्छी तरीके से, क्या बोला सर, पी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ एम एन होता है, एम एन के जगह पे गाइस टोटल मास को क्या लिखूंगा, एम अपॉन वी, और ये वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। मैंने इसको इधर लेकर गया यहाँ पे, तो ये हो गया इधर, सॉरी इधर नहीं, ये क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी, उसको रो लिखा, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी जैसे कि वैसे, ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये थ्री इंटू पी हो जाएगा, और ये रो नीचे आएगा, ये रो इधर है मल्टीप्लिकेशन इधर आकर डिविजन, तो ये रो हो गया कैसे यहाँ पे। अब मुझे तो कैसे अगर अंडर रूट दोनों साइड करूं तो ये कौन होता है भाई, ये कौन होता है वी, हाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वी आर मीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री पी अपॉन रो, रखेंगे वैल्यू कैसे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ थ्री पी की वैल्यू कितनी बेटा, और रो की वैल्यू कितनी है 1.44 है गाइस यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग गाइस यहाँ पे, कितना आएगा, अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व करना आता है सभी को, इसको सॉल्व करना आता है। देखो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्या कर दिया, एक जीरो दे दिया, 30 कर दिया, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 30 कर दिया गाइस यहाँ पे, सॉरी एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 30 एक जीरो बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा पावर में, तो ये 30 × 10⁴ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अंदर बचेगा 30 × 10⁴ रूट के बाहर जाएगा तो कितना होता है 10⁻² होता है। एक बार फिर से सर, 10⁻ यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहां पर अगर इवन वैल्यू होती है, इवन वैल्यू होती है तो वो गाइस क्या हो जाती है आधी हो जाएंगी, क्या हो जाती है आधी हो जाती है, तो बाहर कितना आएगा 10⁻² आएगा। सर अगर सपोज यहाँ पे 10⁻½ होता तो 10⁻⁶ बाहर जाता, 10⁻⁶ बाहर जाता, पकड़ में आया सभी चीजें बराबर यहाँ पे, तो 10⁻⁴ अंदर का बचा 30 और नीचे का बचेगा 1.44। तो सर फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग एंटीलॉग का इस्तेमाल करेंगे, तो लॉग एंटीलॉग लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको मुझे तो रूट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है यहाँ पे। अब मैं लॉग लगा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉग अप्लाई करूंगा, लॉग ऑफ 30 upon 1.44 का पावर 1/2, तो क्या होगा बेटा, ये 1/2 किधर जाता है, लॉग क्या बोलता है इस 1/2 को सामने आ करके, तो ये सामने आ गया लॉग ऑफ ये, अब डिवीजन में तो डिवीजन में कौन सा माइनस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 30 माइनस लॉग ऑफ 1.44 पक्का यहाँ पे। फिर आपको इसको सॉल्व करना आता है लॉग ऑफ 30 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालना आता है सभी को, कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या ढूंढना पड़ता, पॉइंट टू कहां पे पॉइंट यहां पे दिख रहा है तुमको हाँ, एट द एंड में क्या है पॉइंट, एट द एंड में क्या है पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, दो में से गया 1 बचा, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएंगी 1। अब लॉग की बुक में जाएंगे और 30 में देखेंगे कितना आता है 4771, लॉग 30 में ढूंढ 4771 माइनस, बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 0 कैसे, हाँ पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, पॉइंट के पहले संख्या 1 है, 1 में से गया 0, सभी को समझ में आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, पहला काम कैरेक्टरिस्टिक निकालना, पहला काम, तो पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 1, 1 में से गया तो 0 आया, देखो पॉइंट के पहले कितनी संख्या थी 2, तो गाइस 2 में से गया 1 कैरेक्टरिस्टिक आया था, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक आई 0। अब यहां पे क्या करेंगे 14 का 4 में देखो 84, ठीक है यहां पे। अब माइनस करेंगे गाइस यहां पे 11 में से 4 गए कितना बचता 6 बचेगा क्या 7, देन गाइस यहां पे बचेगा 16 में से 8 गया 8, यहां पे बचेगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से गया 3 और 1 में से 0 गया 1। अब हम क्या करेंगे इसको पहले 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, पहले 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्लियर है तरीके से, देखो बाहर 1/2 था उस 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यहां पे, तो 1/2 से डिवाइड किया, 2 तेरे को दिख नहीं रहा तो सामने आ जा वहां से बराबर है यहां पे आ जा, दोनों भाई है यहां पे, तू भी टकला मैं भी टकला आ इधर यहां पे, तो कैसे यहां पे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, बचा 1, 2 × 5 = 10,
दो आठी दो नौ अठारह दो तीन छह दो पंची दस बराबर है। पॉइंट कितना संख्या पहले एक दो तीन चार, तो पॉइंट यहां से खसक कर यहां पे आएगा ठीक है। तो कितना आएगा इसे यहां पे अपने को मिला 0.65935। अब इसका क्या निकालेंगे एंटीलॉग निकालेंगे। एंटीलॉग के लिए देखो एंटीलॉग की टेबल में जाओ वहां पे 0.65 का 9 में 3 का मैं डिफरेंस देखो 4 5 इतना आंसर है सभी का। एक संख्या के बाद में क्या देते हैं हम पॉइंट देते क्या देते पॉइंट देते। तो हमारा आंसर आएगा इसे यहां पे 4563 कितना आया 4563। ये क्या है हमारा क्या निकाल रहे थे हम वी आर एम एस। तो ये वी आर एम एस मीटर पर सेकेंड में आएगा कितना आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। हाँ सही ओके। और यहां पर 10 का पावर 2 निकला था कैसे यहां पे बाहर कहां पे था वो ये देखो 10 का पावर 2 तो क्या करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया यहां पे देखो 4.563 इंटू 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसको भूलने का नहीं तो बोर्ड में गए तुम लोगों के मार क्लियर है अच्छी तरीके से। तो बोला है हमें क्वेश्चन गाइस यहां पे क्या बोला है सुनो अच्छी तरीके से हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिलेट करा गाइस यहां पे टेम्परेचर वो हमें बताना है यहां पे। तो देखते यहां पे गाइस यहां पे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। सर रिलेशन निकालने के लिए तो पहले वाला रिलेशन पता होना चाहिए। सर पहले वाला रिलेशन है प्रेशर का। ओके ये डेरिवेशन 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा गाइस यहां पे 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। और कल ये डेरिवेशन कितनी बार करके लाना है 2 बार बराबर इतना तो कर सकते हैं यहां पे लॉकडाउन चल रहा है। तो पी इक्वल टू कैसे पी का फॉर्मूला कैसे क्या बोलो पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन अपॉन वी और यही चाहे यही चाहे इस वॉल्यूम को इधर लगा गया तो P इंटू वी हो गया बराबर यहां पे। अब ये 1/3 जैसे का पक्का। अब मैंने क्या किया देखो ये M को और ये V को पास में लाया हम दोनों पास में आए ठीक है यहां पे। उसके बाद में मैंने गाइस यहां पे एक एडजस्टमेंट किया। सर क्या एडजस्टमेंट किया सुनो ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्या किया ऊपर 2 से और किया कि नहीं किया किया। क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं 1/2 बाहर एक करमजला बचा उसका नाम क्या है तो एन रख दिया यहां पे ठीक है। तो सर ये जो वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर ये कौन है अरे यही तो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं ये काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है पर किसकी एक मॉलिक्यूल की किसकी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है और बहुत सारे मॉलिक्यूल को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो गाइस यहाँ पे एन हुई एन गाइस क्या हुई यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई तो ये गाइस यहाँ पे इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा टोटल तो पूरे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की पूरी काइनेटिक एनर्जी पक्का ज्यादा समझ में आया बहुत छोटा डेरिवेशन। अब गाइस आपका फॉर्मूला हुआ पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी समझ में आया PV is equal to 2/3 kinetic energy. PV is equal to 2/3 important है ये वाला formula भी important है बीच-बीच में इस्तेमाल होगा। तो PV is equal to 2/3 kinetic energy याद रहेगा PV is equal to 2/3 PV is equal to 2/3 but guys यहाँ पे मुझे बताओ guys यहाँ पे इसको दो तरीके से solve करूँगा but PV is equal to guys क्या होता है अरे होता कि नहीं होता PV is equal to तो यहाँ पे पुट्टा मैंने कैसे यहाँ पे तो ये हुआ एनआरटी और ये 2/3 काइनेटिक मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी का चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को जैसे का ये 3 कलम जला किधर जाएगा तो 3 एनआरटी होगा और ये किधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया तुमको क्या मिला 3/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला 3/2 आपका फॉर्मूला बन गया 3/2 RT मतलब सर अगर उसको खेलना है तो एक ही फॉर्मूले के साथ वो खेलता है कभी तू ऊपर कभी मैं नीचे इस तरीके का ये काम रहेगा अच्छी तरीके से।
तो ये मोल्स कैसे यहाँ पे नीचे रख दे यहाँ पे, तो 3/2 आरटी आपका फॉर्मूला बन जाएगा पक्का। सर और क्या हो सकता है? सर आपने आइडियल गैस का और एक इक्वेशन बताए थे, क्या बताए थे? पीवी इज इक्वल टू व्हाट? हाँ यहाँ पे तो गाइस पीवी इज इक्वल टू कैसे हमने दे दिए एन के बी इंटू टी। देखे थे यहाँ पे के बी गाइस क्या था ना यहाँ पे बोल्टमैन कॉन्स्टेंट था गाइस यहाँ पे। तो सर इसी फॉर्मूले में गाइस यहाँ पे पीवी के जगह पर लिखा एन, क्या लिखूंगा एन एन के बी इंटू टी और ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जैसे का इसको इधर लिख रहा हूं तो 3 nkbt/2 होगा ये, तो 3/2 nkbt/2 ये क्या हुई आपकी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो यही पूछा है हाउ काइनेटिक एनर्जी और गैस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। दिख रहा है इसमें रिश्ता टेम्परेचर का, कैसा रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीजन टू? अरे बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है यहाँ पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा गाइस यहाँ पे। तो ये एक 2 मार्क का डेरिवेशन बनता है यहाँ पे, मैंने आपकी सिलेबस में सिर्फ यही वाला है यहाँ पे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने इसको भी समझा दिया, क्लियर रहेगा अच्छे तरीके से। ओके तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल गाइस यहाँ पे 3/2 RT होता है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला भी आता है इससे, और ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है और ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है। तो तीन फॉर्मूला मैंने बताया, पहला फॉर्मूला बोलू सभी को, सिमिलर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 एम एन अपॉन वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ये फॉर्मूला है यहाँ पे। इसका इस्तेमाल मैं कैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया था, अभी आपको मालूमगा मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक्सप्लेन द ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गाइस यहाँ पे हाउ प्रेशर चेंज, प्रेशर कैसे चेंज होता है यहाँ पे। तो प्रेशर को जैसे का वैसा रखा मैंने यहाँ पे, इधर ऊपर 2 नीचे 3 और इधर भी 1/2 कर सकता हूँ ना यहाँ पे। इस एन को बाहर रखा, अंदर रखा गाइस यहाँ पे एम वी स्क्वायर, पहचान कौन? काइनेटिक एनर्जी। ये वॉल्यूम जैसे का वैसा, ये वॉल्यूम इधर रख दिया वॉल्यूम, ठीक है यहाँ पे। अब देखो वॉल्यूम को जैसे का वैसा रखा, सर ये 2 × गाइस यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी और नीचे कितना है 3V, ये फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला क्या बना गाइस यहाँ पे, पी 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे ये पूरी टर्म यहाँ पे गाइस क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्या है सर? क्यों कॉन्स्टेंट है यहाँ पे? तो बिकॉज उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। सर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने से क्या होता है गाइस? जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कॉन्स्टेंट है, 2/3 तो पहले कॉन्स्टेंट है। तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिश्ता कैसे बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाउ प्रेशर चेंज। मुझे बताओ प्रेशर चेंज इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस, वॉल्यूम को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो वही तो लिखना है यहाँ पे, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस प्रेशर इंक्रीजेस, क्लियर रहेगा इस तरीके से, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस प्रेशर इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस प्रेशर इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल वो भी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है यहाँ पे, क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पे, सर पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, किसी की भी गाइस यहाँ पे इजी है और इजी डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आ सकती है इस साल। नहीं तो कुछ बोला गाइस यहाँ पे, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाइस यहाँ पे? 5 लीटर ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा गया यहाँ पे और 5 लीटर ऑफ गैस दी है। 5 लीटर, लीटर चलता है क्या? नहीं। लीटर चलता है क्या? लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता है। 5 लीटर मतलब 10^-3 ओके मीटर क्यूब, लीटर रहा तो लीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब में। तो कितना होता है 10^-5, 10^-3 ओके मीटर क्यूब। और मुझे तो एसटीपी पे प्रेशर कितना रहता है? 10^5 या फिर 10^5 बोलो, एसटीपी समझता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
बराबर यहाँ पे। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है कैसे यहाँ पे उन्होंने, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या बनाए थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, 3/2 पीवी। अरे ये फॉर्मूला पढ़े ना, अब भी तो डिजाइन की थी फॉर्मूला, बराबर यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी, मैंने बताया था यहाँ पे ये फॉर्मूला से कैसे यहाँ पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी बनता है। ओके अब उसके बाद में 3 जैसे का वैसा, 2 जैसे का वैसा, P की वैल्यू दी है क्या? हाँ प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 10 का पावर नहीं 1.013 10 टू पावर 5 दिया है, और वॉल्यूम कितना दिया लाला 5 लीटर चलता है क्या? लीटर नहीं चलता, लीटर की जगह पे क्या बनाएंगे हम, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर। क्लियर है इस तरीके से, 10 टू पावर माइनस 5, तो सर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिखेंगे, बोलिए कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे, 5 × 15/2 और ये 1.013 और 10 टू पावर 6 बराबर यहाँ पे, 2 के टर्म में 7.5 और इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हारे हाथ में है, चलो बताओ आंसर 2 मिनट में, जल्दी मल्टीप्लिकेशन करो आंसर बताओ कितना आया 7.5 9 7 पॉइंट कितने संख्या पहले 7 पॉइंट पक्का, तो 7.59752 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके एनर्जी, एनर्जी को किसमें इंदे जूल में, एनर्जी को किसमें इंदे, क्लियर है अच्छी तरीके से, एनर्जी को किसमें इंदे जूल में। क्वेश्चन नंबर 3 करना आएगा बराबर यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन आपके बुक में गए थे, नोटबुक में सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है यहाँ पर। देन कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर केजी और पर मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको भी डील आउट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे, टाइम है क्या अपने पास, हाँ ये क्वेश्चन इजीली नहीं बनेगा, सुनो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए जो डेरिवेशन चाहिए वो आपकी सिलेबस से हट गया है, फिर क्वेश्चन क्यों दिया है, तो क्वेश्चन दिया है मतलब गाइस यहाँ पे वो आपकी सिलेबस से हटा नहीं है, उन्होंने गाइस यहाँ पे निकाल दिया यहाँ पे, लेकिन वो क्वेश्चन दे सकते एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल दिया उन्होंने, नहीं तो लास्ट ईयर के सिलेबस में इसके ऊपर डेरिवेशन थे, और अभी डेरिवेशन नहीं है, तो हम मैं इसके अभी डेरिवेशन बनाकर बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे डेरिवेशन बनेंगे, पर मोल के, पर मोल का डेरिवेशन आपको पहले से आता है, पर केजी का और पर मॉलिक्यूल का डेरिवेशन बनाऊंगा, उसके बाद में वो फॉर्मूले हम याद करेंगे और देन हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, क्लियर है अच्छी तरीके से। ओके तो इसको मिटा देता मैं। ओके अभी एक डेरिवेशन नहीं समझाया था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ यहाँ पे, पहला डेरिवेशन कैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसका डेरिवेशन एग्जामिनेशन में आ सकता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का कैसे यहाँ पे, क्या है काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला पढ़ते कैसे यहाँ पे, अभी मुझे बताओ कैसे यहाँ पे, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कैसे यहाँ पे, 2/3 पीवी, अरे था कि नहीं था, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था 2/3 पीवी था यहाँ पे, बट बहुत इजी है पीवी, बट पीवी इज इक्वल टू गाइस क्या होता है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो 2/3 जैसे का पीवी की जगह पे एनआरटी, और काइनेटिक एनर्जी जैसे का सॉरी 3/2 है, 3/2 नॉट 2/3, 3/2 है यहाँ पे, 3/2 तो 3/2 पीवी है गाइस यहाँ पे, पीवी की जगह पे हमने क्या लिखे एनआरटी, ये गाइस यहाँ पे एन को 3/2 जैसे का वैसा इस एन को नीचे लाए, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल और ये हो गया आरटी, क्लियर है अच्छी तरीके से, पहला फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है 3/2 काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या है 3/2 आरटी, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा कैसे यहाँ पे, क्लियर है पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला कैसे यहाँ पे 3/2 आरटी रहेगा, क्लियर है अच्छी तरीके से, इसको बना लो, काइनेटिक एनर्जी पर केजी मास के बारे में बात करूंगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला में निकालना है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी का, बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कैसे यहाँ पे 3/2 पीवी था, ओके 3/2 पीवी था कैसे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे यहाँ पे मास से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर भी क्या करूंगा यहाँ पे मास से डिवाइड करूंगा, दोनों साइड में कैसे यहाँ पे मास से डिवाइड किया, ठीक है यहाँ पे, अब मुझे बताओ कैसे यहाँ पे पीवी इज़ इक्वल टू क्या होता है एनआरटी अपॉन एम, ठीक है यहाँ पे, और इधर क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी पर मास,
बराबर है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब इस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को मैं जैसे का वैसा रखता हूं गाइस यहां पे, और इसको एन को, एन को क्या लिखता हूं गाइस यहां पे, एन अपॉन एन ए, लिख सकता कि नहीं लिख सकता, तो मैंने इसको लिखा गाइस यहां पे एन अपॉन एन ए लिखा। ये आरटी जैसे का स्मॉल एन की जगह पे मैंने एन अपॉन एन ए लिखा, आरटी जैसे का वैसा, और नीचे ये एम, ठीक है यहां पे। पर मुझे बताओ ये एन गाइस क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन गाइस क्या होता है यहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है यहां पे। ओके, एन की जगह पे मुझे बताओ एन का और एक फॉर्मूला पढ़ा मैंने यहां पे, एम अपॉन एम नॉट फॉर्मूला पढ़े अपनी वाला, एन के दो फॉर्मूला पढ़े थे, एन अपॉन एन ए होता है एम अपॉन एम नॉट, तो मैं यहां पर गाइस एम अपॉन एम नॉट लिख रहा हूं यहां पे, एम एम कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला हुआ आर टी अपॉन एम नॉट, क्या हुआ फॉर्मूला आर टी अपॉन एम नॉट, यहां पे क्या था 3/2 था, तो 3/2 आर टी अपॉन एम नॉट, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। एक बार फिर से सुन लो अच्छी तरीके से, क्या किया हमने यहां पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गाइस क्या था हमारा बोलो, 3/2 पीवी, ओके 3/2 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये काइनेटिक एनर्जी, इसके नीचे मास से डिवाइड किया, इसके नीचे भी मास से डिवाइड किया गाइस यहां पे। अब मुझे बताओ गाइस यहां पे एन की वैल्यू क्या होती है यहां पे, एम अपॉन होता कि नहीं होता, तो 3/2 जैसे का इसके जगह पे एम अपॉन एम नॉट, ये आरटी जैसे का वैसा, नीचे एम, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये कैंसिल हो जाएगा यहां पे, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 3/2 आरटी अपॉन एम नॉट, ये क्या हुई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर है, मास किस में गिनते हैं, केजी में, मास किस में गिनते हैं, केजी में गिनते कैसे यहां पे, तो अभी मुझे बताओ अभी जो दो फॉर्मूले बताया था वो दो फॉर्मूले क्लियर है, याद है, इसके लिए परमोल के लिए फॉर्मूला क्या आया था बेटा, काइनेटिक एनर्जी परमोल के लिए फॉर्मूला क्या आया था बोलो, काइनेटिक एनर्जी परमोल का फॉर्मूला आया था, क्या आया था 3/2 आर टी, यही फॉर्मूला था आया था सभी का, काइनेटिक एनर्जी परमोल 3/2 आर टी। सर अभी हमने कैसे यहाँ पे पर केजी का किए कैसे यहाँ पे, ओके कितना आया उसका काइनेटिक एनर्जी, यह आया था 3/2 आर टी अपॉन एम नॉट, नहीं समझा पक्का, यहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूं यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, अभी क्या आया था ओरिजिनल फॉर्मूला 3/2 पीवी था कि नहीं था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया 3/2 पीवी, बोलो पीवी इज इक्वल टू गाइस क्या होता है, और एक फॉर्मूला यार, और एक फॉर्मूला एन के बी टी, अरे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते कि नहीं होते, तो ये काइनेटिक एनर्जी जैसे का, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे का वैसा, ये एन इधर आ गया तो आपका फॉर्मूला हो गया 3/2 के बी इंटू टी, नहीं चमका, तीन फॉर्मूले डिराइव किए हमने यहाँ पे जिसकी जरूरत थी, जो हमारे सिलेबस में नहीं था पर हमने उसको डिराइव किए सो दैट हमारे क्वेश्चन बन सके। ये क्वेश्चन कहाँ से है, कहीं अलग से नहीं, कुछ नहीं, हमें जो याद था, हमें दो फॉर्मूले याद थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और पीवी इज इक्वल टू केवीटी, हमने उसी का इस्तेमाल किए। मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था सर, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है 3/2 पीवी, हर जगह पे एक ही फॉर्मूला लगाया 3/2 पीवी 3/2 पीवी 3/2 पीवी, दो जगह पे मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल किया और एक जगह पे मैंने कैसे यहाँ पे एन केवीटी का इस्तेमाल किया, और ये तीनों फॉर्मूले मैंने डिराइव किया। तीसरा फॉर्मूला गाइस क्या आया हमारा, काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह आया 3/2 केबीटी, ठीक है। यहाँ पे आज के लिए गाइस यहाँ पे इतना ही, मुझे इतने फॉर्मूले अभी कभी याद चाहिए, जो भी फॉर्मूले मैंने बताए ना यहाँ पे वो फॉर्मूले मुझे याद चाहिए, कल मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, आते ही पहले ये फॉर्मूले पूछूंगा और ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये दो क्वेश्चन बचे जो कल हम देखेंगे, ठीक है।